हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आर एस अकेडमी में दोस्तों राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल टू के लिए सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें अपना दोस्तों एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है आज दोस्तों इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है और आप सभी को पता है कि इसमें फुल मॉडल पेपर आपको दिया जाता है टोटल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए जाते हैं दोस्तों आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेलाइकन को दबाएँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो वो जरूर देखें और चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं पहला प्रश्न पहला प्रश्न है। तो करौली व धौलपुर जिलों में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग कौन सा है तो दोस्तों करौली व धौलपुर जिलों में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग कौन सा है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है विंदे कगार भूभाग तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए सेकंड नंबर प्रश्न सुमेलित कीजिए ठीक है अपने को दोस्तों इसमें क्या करना है सुमेलित करना है कि क्या आएगा इसमें ए... देखिए एक तरफ तो है दोस्तों जिला और दूसरी तरफ है खनिज तो अपने को इसमें सुमेलित कैसे करेंगे तो देखिए बीकानेर बीकानेर में दोस्तों कौन सा खनिज का उत्पादन होता है तो दोस्तों लिगनाइट कोयले का उत्पादन होता है बीकानेर में ठीक है भीलवाड़ा में दोस्तों अब्रक का उत्पादन होता है और नागौर में दोस्तों जिप्सम का उत्पादन होता है और उदयपुर में सीसा जस्ता का उत्पादन होता है तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दो तीन चार एक दो तीन चार एक तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन नंबर प्रश्न दो 2011 की जनगणना में राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना में राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नौ है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है चार नंबर प्रश्न है इसमें देखिए सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है ठीक है एक तरफ है दोस्तों ये ताप विद्युत परियोजनाएं हैं ठीक है और दूसरी तरफ अ जिले दे रखे हैं यानी कि अपने को बताना है कि कौन सी परियोजना कौन से जिले में स्थित है ये अपने को इसमें बताना है ठीक है तो देखिए दोस्तों यहां पे कालीसिंध कालीसिंध परियोजना है ये दोस्तों कहां पर है तो ये झालावाड़ में है और गिरल गिरल परियोजना है ये दोस्तों कहां पर है तो ये बाड़मेर में है और बागोर बागोर परियोजना है ये दोस्तों भीलवाड़ा में है और सूरतगढ़ गंगानगर में है ठीक है तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन चार एक दो तीन चार एक दो तो कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर तीन चार एक दो नेक्स्ट गेहूं में पाए जाने वाला यानी कि गेहूं में पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं गेहूं में पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं तो वो कौन से हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काला किट और सपट काला कीट और सपट यह है दोस्तों गेहूं में पाए जाने वाले दो कवक रोग ठीक है नेक्स्ट है वायुमंडल में आद्रताग्राही केंद्र की तरह कौन कार्य करता है वायुमंडल में आद्रताग्राही केंद्र की तरह कौन कार्य करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है धूल और नमक के कण बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखिए सात नंबर का प्रश्न है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया तो दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया तो ये दिया दोस्तों वेगनर ने किसने वेगनर ने ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है यूरोप और एशिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाने वाले पर्वत कौन से हैं यूरोप और एशिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाने वाले पर्वत कौन से हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यूराल पर्वत सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के साठ प्रश्न लिए हैं ठीक है फिर उसके बाद में दोस्तों आपको तीस प्रश्न है वो बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के मिलेंगे ठीक है नब्बे और नब्बे के बाद में दोस्तों अपन तीस प्रश्न है वो हिंदी भाषा के लेंगे ठीक है फिर उसके बाद में दोस्तों अपन संस्कृत के प्रश्न लेंगे तो ऐसे करके अपने एक सौ पचास प्रश्न है वो पूरे हो जाएंगे शुरुआती जो अपने प्रश्न चल रहे हैं ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न चल रहे हैं ठीक है थीके? ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है नाइन नंबर प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला स्थान है तो वो कौन सा है वो है दोस्तों बर्खोयांश जो रूस में पड़ता है ये तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है तो ठंडी जलधारा है वो कौन सी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है केनारी की धारा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मंच में कुल सदस्यों की संख्या होती है राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मंच में कुल सदस्यों की संख्या होती है तो इसका राइट आंसर हो हुज जाएगा वो है दोस्तों पाँच बी नंबर ऑप्शन उत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए बारह नंबर का प्रश्न है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों मिजोरम ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया तो ये दोस्तों पारित किया गया सन उन्नीस में डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है चौदह नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए पूर्वी घाट की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है पूर्वी घाट की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ फिर सेवराय की पहाड़ियाँ फिर जेवादी फिर पालकोंडा और फिर नल्लामलाई की पहाड़ी तो दोस्तों ये है इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन ठीक है आगे चलते हैं पंद्रह नंबर का प्रश्न रत्ना जमुना कृष्णा पद्मा कौन सी फसल की किस्में हैं रत्ना जमुना कृष्णा पद्मा कौन सी फसल की किस्में हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मक्का की किस्में है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है वह प्रसिद्ध बंदरगाह है जहाँ से गुप्त युग में जहाज दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे वह प्रसिद्ध बंदरगाह है जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ताम्रलिप्ति डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है सत्रह नंबर का प्रश्न है निम्न में से अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है निम्न में से अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है चिक्का मिट्टी ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है 2017 में प्रतिदिन कितने लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था 2017 में प्रतिदिन कितने लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर का बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य की भागीदारी है तो वो कितनी है तो वो है दोस्तों फिफ्टी फिफ्टी पचास पचास ठीक है ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है भारत निर्माण योजना कब शुरू की गई तो ये योजना शुरू की गई दोस्तों सोलह दिसंबर दो को भारत निर्माण योजना प्रारंभ की गई नेक्स्ट इक्कीस नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है तो दोस्तों कौन सा युग में सुमिलित नहीं है यह अपने कुछ में बताना है तो यहाँ पे देखो अमलाई छत्तीसगढ़ जो दे रखा है ये यहाँ पे गलत है ठीक है राजमुंद्री ये आंध्र प्रदेश में है बेलारी लोहे में एसके की खान है और लालगंड ये बोक की है ठीक है तो यहां पे अमलाई है ये गलत दे रखा है छत्तीसगढ़ में तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है बाईस नंबर प्रश्न है गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक थे तो कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रेणिया डी नंबर का ऑप्शन सॉरी सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है उनका नाम क्या है उनका नाम है दोस्तों फायन ठीक है तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे नेक्स्ट आगे देखिए रणत का गजानंद मंदिर त्रिनेत्र गणेश लेटे हुए गणेश जी स्थित हैं दोबारा देखिए रणत का गजानंद मंदिर त्रिनेत्र गणेश जी और लेटे हुए गणेश जी स्थित है तो वो कहाँ पर है तो वो है दोस्तों माधोपुर में नेक्स्ट है धोली में क्या है तो दोस्तों धोली में क्या है तो धोली में शिलालेख है ठीक है तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन उत्तर नेक्स्ट है कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है ये जैन संत भद्रबाहु के समकालीन था ये चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु से ही दोस्तों जैन धर्म की दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने नेक्स्ट है बाबर को किस युद्ध में कलंदर की उपाधि दी गई तो दोस्तों बाबर को पानीपत के प्रथम युद्ध में कलंदर की उपाधि दी गई थी सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है इसमें देखिए रामायण के संदर्भ में असत्य कथन है तो दोस्तों रामायण के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है देखिए इसे भारत का आदि महाकाव्य तथा वाल्मीकि को वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है बिल्कुल सही है आगे देखिए इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि है बिल्कुल सही है इसका अंतिम संकलन 400 सौ ईस्वी के आसपास हुआ यह भी बिल्कुल सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी गलत नहीं है तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका नेक्स्ट राजस्थान में आला गिला प्रसिद्ध है तो दोस्तों आला गिला है ये शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट तीस नंबर प्रश्न है भारतीय उद्योगों विशेषतः ग्रामीण उद्योगों के पतन का कारण था तो पतन का कारण क्या था तो रेलवे का विस्तार नंबर का ऑप्शन सही राजस्थान का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है तो सबसे प्राचीन स्थल है दोस्तों बागोर कौन सा है बागौर कहां पर पड़ता है नेक्स्ट है आगे देखिए बत्तीस नंबर प्रश्न वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस लोकमान्य तिलक और लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था वो कौन सी थी यानी कि वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था वो कौन सी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मांडले जेल ठीक है ये नंबर ऑप्शन उत्तर नेक्स्ट है यह वाक्य किसका है तिलक भारतीय अशांति के जनक थे यह वाक्य किसका है कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वेलेंटीन चिरोल वेलेंटीन चिरोल ठीक है ये इनके वाक्य थे ये सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है चौंतीस तो नंबर प्रश्न है पंद्रह सौ इक्यावन ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने अवध के संदर्भ में निम्न टिप्पणी की थी ठीक है सर ये पंद्रह सौ नहीं है अट्ठारह सौ है ठीक है अट्ठारह सौ इक्यावन में किस गवर्नर जनरल ने अवध के संदर्भ में निम्न टिप्पणी की थी ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आके गिरेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कथन दोस्तों किसका था तो ये लॉर्ड डल का कथन था ठीक है तो इसमें अठारह ईस्वी की बात हो रही है दोस्तों यहां पे तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है पैंतीस नंबर प्रश्न है किस सा, किस शासक के समय जजिया एक अलग टैक्स बन गया किस शासक के समय जजिया एक अलग टैक्स बन गया तो दोस्तों ये फिरोज तुगलक के समय ये अलग टैक्स बन गया नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई तो सही उत्तर हो जाएगा वो है खड़ी बोली के में। ठीक है डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है सैतीस नंबर प्रश्न है इसमें देखिए किस भक्ति आंदोलन के संत ने यह कहा कि इस दू जिबहू लख हो नीस ठीक है दोबारा देखिए इस दू जिबह लख हो लख बीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश तो दोस्तों यह किसने कहा था कौन से संत ने कहा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुरु नानक ने कहा था दोस्तों ये नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है अड़तीस नंबर प्रश्न है इसमें देखिए असधारा निराधारा निरालंब सरस्वती पंडित खंडिता ठीक है असधारा निराधारा निरालंब सरस्वती पंडित खंडिता यह उक्ति किस परमार शासक से जुड़ी हुई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राजा भोज से जुड़ी हुई है सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे प्राचीन संरचनात्मक मंदिर है और अभी भी खड़ा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांची का मंदिर संख्या दोस्तों इसमें सत्रह ठीक है तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है चालीस नंबर प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले तो दोस्तों उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस भारत से भाग निकले थे नेक्स्ट है देश में पंचायती राज को संवैधानिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बना था देश को सॉरी देश में पंचायती राज को संवैधानिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बना राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है महाराष्ट्र ठीक है संवैधानिक रूप से बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ठीक है और वैसे पंचायती राज देश में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में दोस्तों पंचायती राज लागू हुआ था लेकिन संवैधानिक रूप से महाराष्ट्र में लागू हुआ था ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है नेक्स्ट बयालीस नंबर प्रश्न इसमें देखिए तीन को राज्य में अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है तो कितने समय तक लगाया जा सकता है तो तीन वर्ष तक लगाया जा सकता है यानी कि आर्टिकल तीन सौ छप्पन को राज्य में अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है तो तीन वर्ष तक ठीक है राष्ट्रपति शासन नेक्स्ट है तियालीस नंबर प्रश्न मिलान कीजिए ठीक है एक तरफ आर्टिकल दे रखे हैं और दूसरी तरफ दोस्तों बताना है कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है ठीक है तो यहां पे देखिए न्यायाधीशों के वेतन ठीक है तो दोस्तों न्यायाधीशों का वेतन कौन से आर्टिकल के तहत आता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आर्टिकल 125 कितना आर्टिकल 125 ठीक है और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है तो ये आर्टिकल 126 के तहत आता है और तदर्थ न्यायाधीश ये दोस्तों एक आर्टिकल के तहत आता है और अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ये दोस्तों आर्टिकल 126 के तहत आता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चार दो तीन एक यानी कि ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो प्रथम निर्वाचन सॉरी प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो प्रथम चेयरमैन बने थे, तो थे प्रश्न पंचायती राज की सूची का विषय है तो दोस्तों ये कौन सी सूची का विषय है तो राज्य सूची का विषय है नेक्स्ट संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है तो दोस्तों ये कानूनी अधिकार है वर्तमान में ठीक है आगे देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्धारण कौन करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्धारण कौन करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उच्चतम न्यायालय करता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत विशिष्ट संरक्षण प्रदान किया गया है तो ये दोस्तों आर्टिकल 361 के तहत इनको विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है नेक्स्ट है निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 में आता है नेक्स्ट है वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, कही जाती है वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कही जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुसंधान विधि ए नंबर का ऑप्शन उत्तर नेक्स्ट है वह विधि जिसमें, है। वहें है। वहें जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है वह है वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है वह है तो वह दोस्तों इसमें समस्या विधि है सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है वह शिक्षण विधि जिसमें सामाजिक समस्याओं योजनाओं तथा संस्थाओं के विषय में शिक्षक कम समय में अस्पष्ट सॉरी कम समय में स्पष्टता से समझा जा, जा सकता है वह है दोबारा देखिए वह शिक्षण विधि जिसमें सामाजिक समस्याओं योजनाओं तथा संस्थाओं के विषय में शिक्षक कम समय में स्पष्टता से समझा जा सकता है वह विधि कौन सी है तो वह विधि है दोस्तों इसमें कौन सी तो वह है व्याख्यान विधि सी नंबर ऑप्शन उत्तर नेक्स्ट है वह कौन सी शिक्षण विधि है जिसकी सफलता पूर्णतः शिक्षक योग्यता व क्षमता पर निर्भर है तो वह विधि कौन सी है तो वह विधि है दोस्तों इसमें इसमें वो भी इसमें व्याख्यान विधि है। है? कार्य करने पर बल देती है, तो है दोस्तों योजना विधि ए नंबर का ऑप्शन नेक्स्ट पाठ्यपुस्तक विधि से शिक्षण का तात्कालीन उद्देश्य क्या है पाठ्य पुस्तक विधि से शिक्षक शिक्षण का तत्कालिक उद्देश्य है तो क्या है तत्कालिक उद्देश्य तो वो है दोस्तों पाठ्य पुस्तक में निहित सूचना संप्रेक्षण से समझदारी का विकास ठीक है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है सत्तावन नंबर प्रश्न है मानसिक क्षमता का विकास नहीं होता है मानसिक क्षमता का विकास नहीं होता है तो दोस्तों ये पाठ्य पुस्तक विधि में ठीक है डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है सहयोग सहकारिता की भावना का विकास किस शिक्षण विधि से सर्वाधिक होता है तो यह कौन से शिक्षण विधि से सर्वाधिक होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है योजना विधि से सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक विधि का छात्रों के संदर्भ में विशेष गुण है तो विशेष गुण स्वाध्याय व स्वक्रिया द्वारा ज्ञानार्जन की क्षमता का विकास बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है साठ नंबर प्रश्न है योजना विधि का दोष है तो दोस्तों योजना विधि का दोष क्या है तो देखिए यह अत्यंत व्यशील समय साध्य है तो यहाँ पे ये योजना विधि का क्या है ये दोष है ठीक है यानी कि अत्यंत समय साध्य है तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों ये अपने साठ प्रश्न तो अपने सामाजिक विज्ञान के कर लिए अब अपन तीस प्रश्न है वो दोस्तों बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के करेंगे जो चाहे आप रीट में गणित का दे रहे हो किसी का भी दे रहे हो ठीक है उसमें ये सबके लिए सेम आएगा आगे देखिए इकसठ नंबर प्रश्न निम्न में से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा का, का वातावरण डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है बालक का किस अवस्था में चहुमुख चहुमुखी विकास होता है किस अवस्था में चहुमुखी विकास होता है तो ये होता है दोस्तों किशोरावस्था में बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्न में से किस अवस्था में चरित्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ये दोस्तों धारण अवस्था परंपरा धारण अवस्था ठीक है तो इसमें डी नंबर ऑप्शन उत्तर नेक्स्ट है जब स्त्री पुरुष के एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तब किसका जन्म होता है तो दोस्तों तब किसका जन्म होता है तो दोस्तों लड़के का जन्म होता है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है ने, पुनर्बलन सिद्धांत किस श्रेणी में आता है पुनर्बलन सिद्धांत किस श्रेणी में आता है तो ये आता है दोस्तों साहचर्य सिद्धांत में आता है नेक्स्ट है ने, निम्न में से शिष्यावस्था की विशेषता नहीं है तो दोस्तों शिष्यावस्था की विशेषता है वो कौन सी नहीं है तो वो है समूह में रहना ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है किसके द्वारा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसके द्वारा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है के द्वारा अड़सठ नंबर प्रश्न है नंबर निम्न में से चिंतन की विशेषता है तो दोस्तों चिंतन की विशेषता है वो कौन सी है तो देखो प्रतीकात्मक मानसिक बिंब संज्ञानात्मक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है एक व्यक्ति राजनेता है इसलिए उसका दायित्व व्यक्तित्व होगा एक व्यक्ति राजनेता है इसलिए उसका व्यक्तित्व होगा कैसा तो दोस्तों बहिर्मुखी होगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है निम्न में बायोमेट्री सिद्धांत के जन्मदाता है तो वो कौन है तो वो है दोस्तों गोल्टन ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभक्त करने वाली प्रणाली है तो वो कौन सी है तो वो है दोस्तों बिनेटिका प्रणाली नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्तियों को ने किन रूपों में बांटा है अंतर्मुखी व्यक्तियों को जुंग ने किन रूपों में बांटा है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विचार प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान ठीक है विचार प्रधान व भाव प्रधान तर्क प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ये सभी नेक्स्ट है मनुष्य मस्तिष्क का चेतन भाग होता है मनुष्य

तथा वर्णन ठीक है तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर छिहत्तर नंबर प्रश्न है सृजनात्मकता के अंतर्गत कौन से गुण आते हैं तो दोस्तों कौन से गुण आते हैं तो नवीनता लचीलापन मौलिकता ये सभी गुण आते हैं दो, तो, दोस्तों दोस्तों सृजनात्मकता के अंतर्गत ठीक है डी नंबर ऑप्शन उत्तर दोस्तों जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ता हूँ आप तुरंत उत्तर सोच लिया करो ऑप्शन देख के कि ये उत्तर होगा ठीक है आप अपनी तैयारी का आकलन आप फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रश्न सही है या गलत ठीक है नेक्स्ट है किसके द्वारा समरूप तथ्यों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तो यह किया गया दोस्तों थोंडाइक के द्वारा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है चिंतन की विशेषता क्या है तो दोस्तों चिंतन की विशेषता क्या है तो प्रतीकात्मक संज्ञानात्मक क्रियात्मक ये तीनों विशेषता चिंतन की है तो इसका राइट आंसर ये सभी डी नंबर ऑप्शन नेक्स्ट है मानसिक अवस्था जो व्यक्ति पर इतना अधिक दबाव डालती है कि उसे समायोजन करना पड़ता है क्या कहलाती है तो दोस्तों क्या कहलाती है तो ये प्रतिबल कहलाती है बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है अस्सी नंबर प्रश्न है अस्सी से नब्बे तक की बुद्धि लब्धि के बालक की बुद्धि होती है अस्सी से नब्बे तक की बुद्धि लब्धि के बालक की बुद्धि होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मंद बुद्धि होती है नेक्स्ट है निम्न में से मूल्यांकन का तात्पर्य है तो दोस्तों मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है तो वो है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना वो होता है दोस्तों मूल्यांकन का तात्पर्य नेक्स्ट आगे देखिए आर हेतु धन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है तो दोस्तों आर हेतु धन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है तो ये दोस्तों केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा की जाती है नेक्स्ट है इसमें देखो लियोपोल्ड बेलोक ने सीएटी परीक्षण का निर्माण कब किया लियोपोल्ड बेलोक ने सीएटी यानी कि कैट परीक्षण का निर्माण कब किया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उन्नीस में बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए मावा प्रविधि का विकास किसके द्वारा किया गया तो किसके द्वारा किया गया तो ये किया गया दोस्तों केटल द्वारा नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने प्रयोग किया गया संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उन्नीस में ने। नेक्स्ट निम्न में से चिंतन के साधन है तो दोस्तों चिंतन के साधन हैं वो कौन से हैं तो वो हैं दोस्तों इसमें कौन से तो वो है बिंब सम्प्रतय भाषा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी नेक्स्ट निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का प्रकार है तो अभिप्रेरणा का प्रकार है वो दोस्तों कौन सा है तो वो है दोस्तों प्राकृतिक एवं बाहरी दोनों है तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन नेक्स्ट है एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों पहाड़ों व घाटियों को प्रदर्शित करता है वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहा जाता है विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है तो वो उपागम कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें खोज उपागम ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए निम्नलिखित में से क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या नहीं है तो वो कौन सी नहीं है तो वो है कक्षा में समय पर आना डी नंबर ऑप्शन उत्तर नेक्स्ट है विवेक की अवस्था किस स्तर पर किस स्तर के अंतर्गत आती है तो यह आती है दोस्तों कौन से स्तर के अंतर्गत तो पोस्ट कन्वेंशन के अंतर्गत है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट अब दोस्तों अपन प्रश्न वो हिंदी के करेंगे ठीक है अपने नब्बे प्रश्न हो गए साठ प्रश्न तो अपन ने सामाजिक विज्ञान के किए थे फिर अपन ने तीस प्रश्न है वो बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के कर लिए अब अपन दोस्तों भाषा फर्स्ट में अपन हिंदी चूज करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी चूज में देखिए तुम मुझे अपना खून दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा या आजादी दूंगा आप सभी को पता है किसने कहा था ये ठीक है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तो यहाँ पे देखिए इकानवे से पिचानवे प्रश्न है अपठित गद्यांश में से अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे देखिए अगर प्रश्न है वो गद्यांश से संबंधित अगर नहीं है ठीक है यानी कि व्याकरण से संबंधित है तो दोस्तों गद्यांश को पढ़ने की जरूरत है? नहीं है तो देखिए यहां पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्योंकि प्रश्न है वो गद्यांश से संबंधित ही है देखिए मुझे तुम अपना खून दो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा यह गर्जना उस सिंह की थी जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का नायक था द्वितीय विश्व युद्ध के वे दिन थे ब्रिटिश सेना की एक के बाद एक दूसरी हार होती जा रही थी जापानी सेना पूर्व में जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी उसने सिंगापुर जीत लिया था और वहां से बर्मा की ओर चल पड़ा। वापस होते हुए ब्रिटिश अधिकारी कई भारतीय सैनिकों को एकत्र कर एक सेना संगठित करने का प्रयत्न कर रहे थे ऐसे समय सुभाष चंद्र बोस का घटना स्थल पर आगमन हुआ स्वतंत्रता की उनकी लड़ाई में जर्मनी और जापान सब प्रकार की सहायता देने को प्रस्तुत हुए इन सैनिकों को उन्होंने संबोधित किया और आदेश दिया कि भारत से अंग्रेजों को निकाल फेंकने के लिए वे जापानी साथ सेना के साथ रहकर युद्ध करें उनके आगमन से इन सैनिकों में नवजीवन का संचार हुआ इस विश्वस्त और निर्भीक नेता के प्रति वे प्रशंसा के भाव से अभ्यत हो उठे और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मृत्यु पर्यंत लड़ते रहने का को प्रस्तुत हुए भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन हुआ और उसने जापानी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को स्वतंत्र करने के लिए युद्ध किया तो यहां पे प्रस्तुत शब्द का अर्थ है तो प्रस्तुत शब्द का अर्थ क्या है तो वो है दोस्तों उपस्थित ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है जापानी सेना पूर्व में जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी वाक्य में काल है तो वाक्य में कौन सा काल है तो दोस्तों इसमें काल है कौन सा तो वो है अपूर्ण भूतकाल इसमें इसमें तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट भारत शब्द में लिंग है तो भारत शब्द में कौन सा लिंग है तो पुलिंग लिंग है नेक्स्ट नेता शब्द का विपरीत लिंग होगा तो क्या होगा तो दोस्तों नेता शब्द का विपरीत लिंग होगा नेत्री डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट आगे देखिए ब्रिटिश ब्रिटिश अधिकारी शब्दयुगम में वचन है ब्रिटिश अधिकारी शब्द युगम में वचन है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें बहुवचन बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपठित गद्यांश है अपने को छानवे से सौ प्रश्न तक यानी कि पाँच प्रश्न मिलेंगे इसमें ठीक है तो अपन दोस्तों डायरेक्ट इन पाँच प्रश्नों को कर लेते हैं देखिए ये जो शब्द दे रखे हैं यहाँ पे ये यह प्रश्न है ये व्याकरण से संबंधित है इसलिए आपको ये जो अपठित गद्यांश है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है देखिए निम्न में से विकारी शब्द नहीं है तो कौन सा विकारी शब्द नहीं है तो वो है दोस्तों इसमें यदि नेक्स्ट है तत्सम व शब्दों का असंगत युग्म है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों अक्ष आंसू ठीक है हस्त का हो जाएगा हाथ नव्य का हो जाएगा नया ऊंच का हो जाएगा ऊंचा लेकिन अक्ष का यहां पे आंसू दे रखा है जो कि गलत है तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है साहित्य तो वही है जो साहित्य की मर्यादा का पालन करे रेखांकित शब्द है तो यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है जो दे रखा है ठीक है तो जो क्या है तो वो है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है रेखांकित शब्द का अर्थ है तो दोस्तों रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है उत्सर्ग दे रखा है यहाँ पे तो इसका अर्थ हो जाएगा वो है न्योछावर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर ठीक है नेक्स्ट है हम सुधरने की धुन में अंधाधुंध सर चलाना शुरू करते हैं रेखांकित पद में कौन सा समास है ठीक है तो दोस्तों यहां पे देखिए अंधाधुंध दे रखा है तो अंधाधुंध शब्द में कौन सा समास है तो इसमें समास हो जाएगा दोस्तों भाव समास तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन उत्तर नेक्स्ट है देखिए निम्न में से संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं है तो वो कौन सा नहीं है तो वो है दोस्तों जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था ये दोस्तों संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं है बाकी तीनों के तीनों है सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है निम्न में से मिश्र वाक्य है तो दोस्तों मिश्र वाक्य में देखिए कौन सा मिश्र वाक्य है इसमें देखिए मैं उस घर में रहता हूं जिसमें पहले पांडव रहते थे तो दोस्तों इसमें ये मिश्र वाक्य है ठीक है तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखिए एक सौ तीन नंबर प्रश्न ठीक है इसमें देखिए निम्न में से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य नहीं है निम्न में क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य नहीं है तो वो कौन सा नहीं है तो वो है दोस्तों उसका विचार है कि मोहन सच्चा आदमी है डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है दिल में फपोले पढ़ना मुहावरे का अर्थ है दिल में फपोले पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है तो वह है दोस्तों अत्यंत दुख होना सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया रेखांकित वाक्यांश के लिए प्रयुक्त मुहावरा है तो दोस्तों इसके लिए प्रयुक्त मुहावरा है वो कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है अन जल उठ जाना डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट भाषा सहसर्ग प्रणाली उपयोगी है भाषा सहसर्ग प्रणाली उपयोगी है तो ये दोस्तों व्याकरण में उपयोगी है बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट आगे देखिए एक सौ सात नंबर प्रश्न वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मौन वाचन बी नंबर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है प्रयोग विधि को क्या कहते हैं तो दोस्तों प्रयोग विधि को क्या कहते हैं तो दोस्तों आगमन विधि कहते हैं सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन रेखे का प्रारंभ किसने किया अभिक्रमिक अभिक्रमित अनुदेशन रेखे के रेखे का प्रारंभ किसने किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी एफ स्किनर ने डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्न है तो वो क्या है तो वो है दोस्तों रुचि का सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत अभिप्रेरणा का सिद्धांत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी नेक्स्ट है डाल्टन विधि को किस नाम से पुकारते हैं तो दोस्तों किस नाम से पुकारते हैं तो स्वाध्याय विधि से के नाम से पुकारते हैं नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है विषय वस्तु के स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है एक नंबर प्रश्न है सामान्यतः जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वह कहलाता है सामान्यतः जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वह कहलाता है तो वह कहलाता है दोस्तों पाठ्यक्रम ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण की दृष्टि से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोजेक्ट पद्धति सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी है कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कथा वस्तु में भयानक दृश्य न हो कथा वस्तु बालकों के स्त्रानुकूल हो उसमें गतिशील और क्रमबद्धता हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी नेक्स्ट है निम्न में से मूल्यांकन का विशिष्ट क्षेत्र नहीं है निम्न में से मूल्यांकन का विशिष्ट क्षेत्र नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धार्मिक विकास ए नंबर ऑप्शन सही एक सौ सत्रह नंबर प्रश्न है पाठ संसर्ग उपागम का आशय है पाठ उपागम का है। तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है या पढ़ लेना वीडियो स्टॉप करके ठीक है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ये सभी डी नंबर ऑप्शन नेक्स्ट है गीता बचपन से ही मारवाड़ी बोल समझ लेती है वह कभी विद्यालय नहीं जाती है उक्त उदाहरण होगा तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये भाषा अर्जन का उदाहरण है नेक्स्ट एक सौ नंबर प्रश्न है इसमें देखिए दोस्तों भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट सहस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य है सहस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या है तो वो है बच्चों की पढ़ने संबंधी शिक्षण को समाप्त करना डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 21 से अब मैंने आपको 120 प्रश्न तो ये कंप्लीट होगी अब मैंने भाषा दोस्तों यहाँ पे संस्कृत चूज की है ठीक है तो संस्कृत के लिए देखिए यहाँ पे 121 से 150 प्रश्न होंगे देखिए संस्कृत मुझे मैं पहले ही आपको बता दिया था मैंने पहले मॉडल पेपर के अंदर मुझे संस्कृत पढ़नी कम आती है तो आप स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा शब्द ठीक है तो मैं अगर गलत भी पढ़ देता हूं तो आप स्क्रीन पे पढ़ते हुए चलें साथ में ताकि ऐसे नहीं ऐसे मत बोलना कमेंट में कि सर आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती आप मॉडल पेपर क्यों करवा रहे हो ठीक है ऐसे मत बोलना आप तो एक नंबर है इसमें देखिए पाषाण इति पदस्य विशेषण पदम किम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इसमें चिक्कण ठीक है तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है इसमें देखिए सुगठित दृढ़ शरीर है इत्यत्र कह समास है तो इसमें कौन सा समास है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें इसमें दोस्तों क्रमधारी समास है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है एक नंबर प्रश्न है इसमें देखिए काल समय वेलाया कृत्य अपव्य पदम वर्तते काल समय वेलाया कृते अपव्यय पदम वर्तते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है साम्य सायम ठीक है बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है इसमें देखिये सव कार्यात्र की कारकम तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक है इसमें कारक है दोस्तों अपादानम तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है आदाय अत्र कह प्रत्यय आदाय अत्र कह प्रत्यय तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा तो इसमें लैप प्रत्ये है डी नंबर ऑप्शन सही एक सौ छब्बीस नंबर प्रश्न है इसमें देखिए स सम वो जानताम सुक्ति पुरियत तो दोस्तों इसमें क्या आएगा खालिस्तान में यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मनासी आएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन उत्तर नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए अनुनासिक वर्णना क्रम है कै है तो ये कौन कौन से वर्ण है जो अनुनासिका वर्ण में आते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये देखिए सी नंबर का ऑप्शन है ठीक है किसी भी वर्ण का जैसे वर्ण क वर्ण आता है क वर्ण का अंतिम अक्षर यानी कि पांचवा अक्षर कौन होता है तो सभी वर्ण के पांचवा अक्षर ठीक है तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है इसमें देखिए कखाभ्याम प्रागर प्रागद्र विसर्ग तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा देखिए इसको पढ़ लेना आप एक सौ 128 नंबर प्रश्न को ठीक है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वह है जी हवा मूल्य है बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है इसमें देखिए अहम तिष्ठामी अहम तिष्ठामी इतस्य वाच्य परिवर्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मया नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट जल से बिना जीवनम नास्ति जल के बिना जीवन नहीं है तो ये सुदम कुरुत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए सारे के सारे शब्द हैं वो यहाँ पे शुद्ध रखे हैं जलम बिना जीवन जीवनम नास्ती जलेन बिना जीवनम नास्ति जलात विना जीवनम नास्ती ये तीनों ही यहाँ पे दे रखे हैं ये सारे के सारे शुद्ध हैं तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सौ इकतीस से पैंतीस प्रश्न है इसमें देखिए विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति है परेशा परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मृतते ज्ञानम दानम च रक्षणाय तो यहाँ पे दोस्तों एक सौ इकतीस नंबर प्रश्न है विद्या विवादायत्र की कारकम तो इसमें कारक कौन सा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों संप्रदान कारकम है इसमें नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है शक्ति है इत कह प्रत्यय तो इसमें कौन सा प्रत्यय है इसमें प्रत्यय है दोस्तों कितन प्रत्यय है तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है विवादाय अत्र मूल प्रत्यय कह तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आ, देखो इसमें घत्र गह ठीक है तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है इसमें देखे सलोके अस्मिन की छंद है तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों उपजाति नेक्स्ट है रक्षणाय रक्षणायन कह लिंगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है ल्यूट सी नंबर ऑप्शन उत्तर नेक्स्ट है सुंदर हस्त लेखन से कारणम की नास्ती तो इसमें सही उत्तर है वो है दोस्तों इसमें आ, फाउंटेन लेख्याना प्रयोग है तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है सर्वेशु कौशलशु कठिनम कौशलम अस्ति तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों लेखनम बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक से पक्ष सिद्धांत आयाति तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सर्वम नेक्स्ट अध्यापक अध्यापक से मित्रम अस्ति, ठीक है अध्यापक से मित्रम अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है श्यामपट अध्यापक का मित्र कौन है श्यामपट यानी कि बोर्ड ब्लैक बोर्ड नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रविधि उपागम शैक्षिक प्रविधि उपागमाधारणी अधिगम साधनम अस्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा तो वो है विधि नेक्स्ट गद्य शिक्षण से तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों इसमें काठिन्या निवारण नंबर ऑप्शन नेक्स्ट एक सौ बयालीस नंबर प्रश्न है इसमें देखिए व्याकरण संबंधी प्रश्न भवंती तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों इसमें आ, दंडावने विधि हो ठीक है दंडावने विधि तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है नवीनतम विधि नास्ती तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों सूत्र विधि है डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है शिक्षणाभिरुचि आवश्यक अस्थि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा तो वो है उपयुक्त सर्वेशा कृत्य डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है व्याख्या कृति सोपनानी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है सठ सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है संप्रति मूल्यांकन भवेत तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ना तो वो है सतत मूल्यांकन ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है की परीक्षा प्रकटी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है मौखिक परीक्षा मूल्यांकन भवती मौखिक परीक्षा मूल्यांकन भौती तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है श्रवण भाषण पठन कोश नाम छात्रणा कृत्य शिक्षण भवेत तो इसका सही उत्तर है वो दोस्तों उपचारात्मक कम ठीक है उपचारात्मक तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण भवती तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मंद छात्राणा करते डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना रिट भर्ती परीक्षा लेवल टू के लिए दोस्तों सामान्य विज्ञान सामान्य विज्ञान तो दोस्तों यानी कि सामाजिक विज्ञान का दोस्तों ये मॉडल पेपर था अपना दूसरा नंबर का अगर आपने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो वो भी जाके देख ले दोस्तों और आराध्याडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत